सर, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इसराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर, अरे सर मेरा टाइम है, कहाँ टाइम है सर, आप ये टाइम ले लिया मेरा, सर मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है, इसराइल को 27 टन हथियार जा रहा है, नजी हो रही है सदर जमहूरिया के खुद राष्ट्रपति के, सर मैं उसी पे बोल रहा हूँ सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए, सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को तीन स्कॉलरशिप को डिमांड डिमांड करती है सर, उसको आपने बजट कम कर दिया। सर बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हमें घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगा दिया? सर समाप्त करो, कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर, मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया, ये आपकी नफरत है। सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव।